सो गाइस, अगर आपको भी प्ले स्टोर के अंदर एरर आ रहा है, प्ले स्टोर से आप किसी एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं, या आपका जो प्ले स्टोर एप्लीकेशन है वो ओपन नहीं हो रहा है, या इसी तरह के और कुछ एरर आपके प्ले स्टोर एप्लीकेशन के अंदर आ रहे हैं, तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आज की इस वीडियो में दोस्तों आपको मैं प्ले स्टोर से रिलेटेड कुछ इस तरह की सेटिंग्स बताने वाला हूँ कि आप अगर ये सेटिंग्स कर लेंगे तो आपके प्ले स्टोर के अंदर किसी भी तरह का एरर आपको दिखाई नहीं देगा, आप कोई भी एप्लीकेशन को प्रॉपरली प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकोगे। तो दोस्तों वीडियो में बने रहिए, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों मैं हूं तौकीर खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ऐप हाउस। तो चलिए दोस्तों आपको मैं कुछ सेटिंग्स बताता हूं। अगर आपको प्ले स्टोर के अंदर कुछ इस तरह के किसी भी तरह का एरर दिखाई दे रहा है कि एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं हो रहा है या प्ले स्टोर ओपन नहीं हो रहा है, तो आपको क्या क्या सेटिंग्स करना है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको आपके मोबाइल के अंदर जाना है और मोबाइल के अंदर आपको आपके सेटिंग ऑप्शंस को ओपन करना है। सेटिंग ऑप्शंस के अंदर आपको दोस्तों एक ऑप्शन दिखाई देगा एप्स एंड नोटिफिकेशंस का। उस एप्स एंड नोटिफिकेशन का ऑप्शंस को आपको क्लिक करना है और वहाँ पे आपके प्ले आपके दोस्तों मोबाइल के अंदर जितने भी जो एप्लीकेशंस हैं सारे के सारे एप्लीकेशंस वहाँ पर वो दिखाई देंगे, ओपन हो जाएंगे। तो जो भी मोबाइल होगा आपके पास में, जो भी कंपनी का मोबाइल, सभी मोबाइल के अंदर ये ऑप्शन किसी ना किसी तरीके से आपको वहाँ पर होगा। तो आपको जस्ट सेटिंग के ऑप्शन में जाके दोस्तों ऐप्स के ऑप्शन में जाना है, वहाँ पे एप्लीकेशंस को ओपन करना है। एप्लीकेशंस को ओपन करने के बाद में दोस्तों यहाँ पर आपको ढूंढना है प्ले स्टोर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों कि यहाँ पर गूगल प्ले स्टोर यहाँ पर आ चुका है और उसके ऊपर है गूगल प्ले सर्विसेज। तो ये दोनों चीज़ें आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले गूगल प्ले सर्विस के ऊपर आपको क्लिक करना है और उसके बाद में यहाँ पे स्टोरेज के ऑप्शन पे क्लिक करना है और क्लियर कैश करना है आपको दोस्तों। तो यहाँ पे गूगल प्ले सर्विस को सबसे पहले आपको उसका जो कैश है उसको क्लियर करना है। उसके बाद में बैक जाना है और बैक जाने के बाद में दोस्तों आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है गूगल प्ले स्टोर। गूगल प्ले स्टोर के ऊपर दोस्तों आपको क्लिक करना है, फिर उसके स्टोरेज के ऑप्शन में जाना है और यहाँ पर दोस्तों आपको इसका क्लियर डेटा कर देना है। तो यहाँ पे दोस्तों इसका डेटा क्लियर हमने कर दिया। तो दोस्तों आपको ये दो सेटिंग सबसे पहले आपको प्ले स्टोर और प्ले सर्विस के इन दो के लिए करना है। उसके बाद में दोस्तों आपको बैक जाना है और बैक जाने के बाद में दोस्तों आपको आपके मोबाइल के अंदर प्ले स्टोर को फिर से ओपन करना है। तो आप दोस्तों प्ले स्टोर को आप ओपन कीजिएगा तो ओपन करते वक्त वो थोड़ा सा समय लेगा और दोस्तों जितने भी जो इश्यूज वगैरह है ऐप्स डाउनलोड होने के प्ले स्टोर से या प्ले स्टोर से कोई भी आपको एरर आ रहा है या प्ले स्टोर ओपन नहीं हो रहा है, सारे जो इश्यूज है सारे के सारे इश्यूज दोस्तों वो फिक्स हो जाएंगे इन सेटिंग्स की वजह से। तो यहाँ पर प्ले स्टोर जो है दोस्तों वो ओपन हो रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर प्ले स्टोर एप्लीकेशन फिर से यहाँ पर हमने ओपन कर लिया है उसका डेटा वगैरह क्लीन करके। अब आपको यहाँ पे करना क्या है कि राइट साइड में टॉप पे यहाँ पर इस आइकॉन पे आपको क्लिक करना है जहाँ पे आपकी आईडी बनी हुई है प्ले स्टोर के अंदर, और उसके अंदर बाद में दोस्तों आपको सेटिंग के ऑप्शन में जाना है। सेटिंग के ऑप्शन में जाने के बाद में सेटिंग के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पर दोस्तों आपको नेटवर्क प्रेफरेंस पे क्लिक करना है, और नेटवर्क प्रेफरेंस पे क्लिक करने के बाद में आपको ऐप डाउनलोड प्रेफरेंस पे क्लिक करना है और यहाँ पर दोस्तों इसे ओवर एनी नेटवर्क आपको रहने देना है। अगर आपके इसमें ओवर वाईफाई ओनली है या आख में एवरी टाइम है तो आपको जस्ट यहाँ पर ओवर एनी नेटवर्क आपको यहाँ पे डन कर देना है। ये सेटिंग आपको यहाँ पर दोस्तों करना है। इसके बाद में दोस्तों आपको ऑटो अपडेट ऐप्स इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर दोस्तों चेकआउट करना है कि ऑटो अपडेट ऐप्स जो है वो ओवर वाईफाई ओनली यही सिलेक्टेड रहना चाहिए। तो यहाँ पर अगर आपका ओवर एनी नेटवर्क है या डोंट ऑटो अपडेट ऐप्स है तो यहाँ पर आपको ओवर वाईफाई ओनली ये रहने देना, इस पर क्लिक करना, इसको डन कर देना है। तो दोस्तों ये दो तीन जो सेटिंग्स है ये आपको यहाँ पर कर लेनी है। उसके अगर आपने अपने प्ले स्टोर के अंदर कर ली तो दोस्तों आप किसी भी ऐप्स को बहुत ही इजीली से प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। प्ले स्टोर से आपको कोई भी इशू दिखाई नहीं देगा, सारे इश्यूज जो है वो फिक्स हो जाएंगे। तो अगर आपके वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।